Assalamualaikum friends. So we are here with our new topic, and that is a past paper of 2K12. Okay, this is the NTS medical past paper. As I have previously uploaded the video of the past paper of 2K13, this is of the 2K12. So we will start with our first session, and that is our first segment. We start with the bio. So we are starting with the biology. So the biology, the question, there is a question 71. Sundew is an example of, अगर आपने चैप्टर चैप्टर नंबर 12 पढ़ा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का, तो आप इसी तौर पे बता सकते हैं. तो इसका आंसर है कार्निवोर्स प्लांट. ठीक है, सनड्यू एक ऐसा प्लांट होता है, कार्निवोर्स, एंड कार्निवोर्स आर दैट प्लांट दैट ओनली ईट मीट. जो कि सिर्फ मीट, गोश्त खाते हैं, उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं. ठीक है, अच्छा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिश आर गिल्स. सी इज राइट आंसर. 72 73 पिक द ऑड वन आउट. अच्छा, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर सम कॉन्सेप्चुअल. सो जब हम लोग एंट्री टेस्ट कर रहे होते हैं तो काफ़ी हमारे पर बर्डन होता है, उसकी वजह से हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होता है वो तो गलत कर, मतलब गलत हो जाता है. एक क्रेमिंग क्वेश्चन तो फिर भी सही हो जाता है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है तो उसको थोड़ा सा आप ज़्यादा देख लिया करें. पिक द ऑड वन आउट. आर्टा, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेंस, मतलब ये सब एक जैसे लग रही हैं. नेफ्रॉन, यस, नेफ्रॉन इज समथिंग आउट, मीन्स इनका पार्ट नहीं है. सो नेफ्रॉन इज राइट आंसर. 73 का ई. फ्लेम सेल्स आर द डैश ऑर्गन इन प्लेनेरिया. कौन से ऑर्गन से? एक्सक्रेटरी ऑर्गन से. आपने प्लेनेरिया पढ़ा होगा तो यू कैन ईजिली जज आउट दिस. ओके, स्नैल मूव विद द हेल्प ऑफ फुट. फुट के तौर पर मूव करते हैं स्नैल, एंड द फुट इज नोन एज पोडियम. फुट को हम बायोलॉजी की वे में क्या कहते हैं? पोडियम. ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इज नॉट ट्रू. कौन सा ट्रू नहीं है? द जॉइंट्स ऑफ एल्बो एंड द नी आर द हिंग जॉइंट्स. विच इज नॉट ट्रू. ओके, द जॉइंट एक्टिविटी इज द ट्रू है. द जॉइंट कैविटी इज फिटेड विद द लुब्रिकेटिंग सिनोवियल फ्लूइड. यस, बिल्कुल सही है. द बोन्स ऑफ द स्कल आर कनेक्टेड थ्रू द फिक्स जॉइंट. यस, बिल्कुल सही है. हिप्स एंड शोल्डर जॉइंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ बाल एंड सॉकेट जॉइंट. एग्जैक्टली राइट. सेल्स ऑफ बोन्स आर कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट. सिर्फ ऑस्टियोब्लास्ट नहीं कहलाते, ऑस्टियोक्लास्ट भी होते हैं. सो ई इज द राइट आंसर. ओके, यस. क्वेश्चन नंबर 71. ऑलमोस्ट ऑल द प्रोकैरियोट्स बिलोंग टू द किंगडम. जितने प्रोकैरियोट्स हैं कौन से किंगडम में आते हैं? मोनेडा में आते हैं. सो मोनेडा इज आंसर. 77 का ई. द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स. सिंपल. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम फर्स्ट ईयर. द क्रोमोसोम विथ इक्वल आर्म्स रिजेंबलिंग द लेटर वी आर कॉल्ड मेटासेंट्रिक. ओके, दिस टाइप ऑफ लाइक this is the one chromosome, one is with other, and the shape like a V shape. So this is called metacentric. Okay, in chapter number 6 or 7 of intra class, the viral reproductive cycle that culminates in death of cell is known as lytic cycle. Means that leads to death of a host cell, वो होती है lytic cycle, और जिसमें host की death नहीं होती वो होती है lysogenic cycle. Okay. चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर 81. बैसिलाय बैक्टीरिया आर डैश शेप्ड. बैसिलाय, ओके, दे आर टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कोकाई एंड द बैसिलाय. कोकाई आर द राउंड शेप, बट बैसिलाय आर द रॉड शेप. सो दिस इज द राइट आंसर, सी. जो क्वेश्चन नंबर 82. डैश इज द टिपिकल प्रोटोजोअन दैट हैज बोथ एनिमल एंड अ प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक. दैट इज द, यस, यूग्लिना. यूग्लिना इज द वन ऑफ द प्रोटोजोअन दैट हैव द बहुत कैरेक्टरिस्टिक एनिमल एंड द प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 83. पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश फंजाई नोन एज द पेनिसिलियम नोटेटम. इफ यू रीड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 विथ योर ऑल हार्ट एंड सॉल, सो यू हैव नोटेड दैट देयर इज द रिटन वर्ड पेनिसिलियम नोटेटम. दिस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ पेनिसिलियम फंजाई इन विच द पेनिसिलिन इज ड्राइव्ड. द सेगमेंटेड वॉर्म्स बिलोंग टू द फाइलम डैश. सेगमेंटेड वॉर्म किस से बिलोंग करते हैं? फाइलम एनालिडस.
चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास। देश आर एक्सक्लूसिवली मरीन इनवर्टिब्रेट्स इखाइनोडर्म्स। मैंने आपको बताया था, ये रिपीट क्वेश्चन याद है कि जो हमारे प्रीवियस वीडियो है उसमें टू के थर्टीन में ये रिवाइज हुआ है, ये टू के ट्वेल्व का पेपर है। ओके, दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन। अनदर, द बॉटनिकल नेम ऑफ ब्रिंजल इज सोलेनम मेलोंगिना। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट टाइप ऑफ द फैमिली नेम्स। सो ए इज द राइट आंसर। ओके, पायरूविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। बी द राइट आंसर। वाइन्स, अब देखें उसमें टू के थर्टीन में भी इस चैप्टर से कुछ इस तरीके से पूछा हुआ था, इसमें भी कुछ इस तरीके से पूछा हुआ था। आपको पता लगे कि ये टॉपिक आता है, आप जाके आप इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें, एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। वाइन्स एंड बियर्स आर फॉर्म ड्यू टू द फर्मेंटेशन, की वजह से बनते हैं, ये बात याद रखिएगा, फर्मेंटेशन की वजह से बनते हैं। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 89। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप कैन नॉट अकर अमंगस्ट द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ मैटिंग बिटवीन अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए एंड अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप बी। जब पर्सन ए और बी के मिलेंगे तो जाहिर सी बात है सब पॉसिबल, लेकिन ए तो नहीं हो सकता, तो ए इज द राइट आंसर। ओके, इन फ्रूट फ्लाइज देयर इज अ ई इज द राइट आंसर। आप ये देख सकते हैं खुद, आप करिएगा चैप्टर नंबर 10, अगर 8 आपने पढ़ा हुआ है इंटर का तो आप यू कैन इजीली कैन डू इट। द फर्स्ट एवर क्लोन शीप वॉज नेम एज डॉली। मीन्स ये जो चैप्टर नंबर, जो बायोलॉजी टेस्ट है, एंट्री टेस्ट ऑफ द टू के ट्वेल्व, ये बहुत ईजी आया था। आप देख सकते हैं कि डॉली पूछा हुआ है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आर देयर। अच्छा, डार्विन थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सेप्ट, सब पे बेस्ट करती है एक्सेप्ट यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन के अलावा, तो ई इज द राइट आंसर। ओके, द डीकम्पोजर ऑफ एन इको सिस्टम, मैं दूसरा ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ा कि वीडियो लंबी हो जाएगी, सो प्लीज़ डोंट माइंड। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी द अबाउट द एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द की, यू कैन पोस्ट इट, यू कैन कमेंट मी, आई विल टेल यू अबाउट द एनी प्रॉब्लम इफ़ यू हैव, यू कैन कमेंट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। द डीकम्प, क्वेश्चन नंबर 93, द डीकम्पोजर्स ऑफ एन इको सिस्टम आर बैक्टेरिया एंड फंजाई। ठीक है, कौन कौन से डीकम्पोजर्स हैं? बैक्टेरिया एंड फंजाई, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं किस तरीके से, मुझे पता लगेगा कि यस आई एम डूइंग राइट और मैं सही चल रहा हूँ या मैं, तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन कमेंट। द फ्रोजन सॉइल इन टंड्रा इज कॉल्ड पर्मा फ्रॉस्ट। ओके, पर्मा फ्रॉस्ट 94 का डी। ये चैप्टर, ये क्वेश्चन जो हैं वो इंटर के चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 से लिए हुए हैं, जो मोस्टली लोग पढ़ते ही नहीं हैं, सो आप ज़रूर पढ़िएगा इंटर चैप्टर नंबर बायो के चैप्टर नंबर 11, 12। देश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए? दैट इज द एंड्रोजिन। कार्टिसोल 9, थायराइड 9, ग्लूकागन 9 और एलोस्ट्रिन 9, तो बी इज द राइट आंसर। अ रॉक लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट एम्ब्रियो टू प्लासेंटा इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल। 1 मिनट, यस, सो वेरी वेल, अ रॉक लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द एम्ब्रियो टू प्लासेंटा इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। 96 का बी। द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल आर कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीटोसिन, सो ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड लव हार्मोन। ओके, 97 का ई। 98, विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डी एन ए, विच इज नॉट अ कंपोनेंट? राइबोस। राइबोस नहीं होती, बल्कि कंपोनेंट डी एन ए कौन होता है? डी ऑक्सो राइबोस होती है। डी इज द राइट आंसर। ओके, क्रॉस ओवर टेक्स प्लेस इन डैश स्टेज इन द डिप्लोटीन। ओके, सी इज द राइट आंसर। द हीमोग्लोबिन ऑफ अ पर्सन विद अ सिकल सेल एनीमिया डिफर्स फ्रॉम द नॉर्मल मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन बाय वन डैश, बाय वन अमीनो एसिड, एंड दैट इज द वेलिन। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द बायो सेशन, नाउ वी आर मूविंग ऑन द आवर फर्स्ट स्टार्टिंग सेशन। ओके, सो इन इंग्लिश, आइडेंटिफाई द वर्ड ऑफ फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज फॉर सेंटेंस टू बी करेक्ट। वन का ए, वन ऑफ द टाइगर फ्रॉम द सर्कस हैज गॉट लूज, वन ऑफ द टाइगर, सो ए इज द आंसर। इफ आई प्रिफर, क्वेश्चन नंबर 2, आई प्रिफर टू रीड रादर दैन टू सिट लिसनिंग टू द रेडियो, दैन दिस टाइप ऑफ दैन आएगा। ठीक है, तो सी इज द आंसर। कंप्लीट द सेंटेंसेज बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइस एच टू ई बिलो एच। ओके,
Children love dash stairs. Children love running up and down stairs. Children runs up and down. नहीं बन रहा. Up and down running. No. Up and down stairs. No. Up running and down. Running up and down the stairs. So A is the right answer. The spark set the carpet dash fire. In fire? No. Up fire? No. Off fire? No. Out fire? On fire? In हो सकता है या on हो सकता है. द स्पार्क सेट द कारपेट मतलब चिंगारी लगी कारपेट को और आग लग गई. ठीक है. द स्पार्क सेट द कारपेट ऑन फायर. चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर. ओके. पीसफुल मतलब अमन सकून. ठीक है. कालमनेस इसका अपोजिट क्या होगा. पैसिव. नो. क्वायरल झगड़ा. यस पॉसिबल है. अच्छा आगे चलते हैं. लविंग. लविंग तो नहीं यार. हर्टी. नो यार. एंडलेस. नो. तो क्वायरल सम बीज आंसर. कंस्ट्रक्ट. कंस्ट्रक्ट मीन्स टू फॉर्म टू बिल्ड समथिंग. सो डेस्ट्रॉय डी इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड. नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 7. यू कैन टेक स्क्रीन शॉट्स इफ यू वन सॉल्व एनी ऑफ दिस क्वेश्चन. यू कैन टेक स्क्रीन शॉट्स. ओके. और यू कैन डाउनलोड दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल as far as my vision is concerned, I firstly read these questions and then read the passage. The word she in the passage refers to matlab mujhe isko ek cheez search karni hai. Okay. Before the final statement settlement the country faced which of the following crisis. Ab aap passage padhe aur easy taur pe response dein. Okay. So 7 ka C and 8 ka E. Okay. Choose the word most similar in meaning to the capitalized ones. Responsible. Same क्या होगा. Accountable. Fast का slow. Opposite है ना. Quick. So D is the answer. Okay. Now moving on to physics. As I told you, I am a third year MBBS student. I am not very good in physics now because I am not in touch with the physics. So please, it's my humble request to solve the physics by yourself. The operation of a transistor requires, I am telling you the right key, E, none of these. The conversion of photon into electron positron pair is called pair production. Okay. According to the Bohr's model for the hydrogen atom A, iska A hai, 13 ka, okay. The atoms of same element with same atomic number but different masses, this is isotope B, and the 15 is न्यूट्रॉन पेनिट्रेट मैटर रीडली चीफली बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके. डी 15 का भी डी है. द एफिशंसी ऑफ द कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज 23.6%. ओके. यू कैन टेक बाय योर सेल्फ. दिस इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसो मीन सेम बैरिक मीन प्रेशर प्रोसेस. आई हैव सेड ए प्रेशर इज कॉन्स्टेंट. ओके. सेम प्रेशर मीन कॉन्स्टेंट प्रेशर. ओके. अ प्रोटॉन इज प्लेस मिड वे बिटवीन एंड एडिंग ए. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सर्फेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स की जगह मैग्नेटिक लाइन्स होती तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 20 जो मुझे क्लिक कर रहा है याद आ रहा है तो मैं बताता जा रहा हूँ. 1 kW का इसके इक्वल होता है 36 × 10^5 joules के इक्वल होता है. ये भी रिपीट क्वेश्चन है जो आगे भी आएगा बताऊँगा मैं आपको. लेकिन आप यहाँ पर मार्क कर लें और इसके क्वेश्चन को उठाकर वापसी जाकर अपनी बुक पर लिख लें. मैं आपको पता दिस इज माय वे हाउ टू रिमेंबर द रिपीटेड क्वेश्चन. ओके. 36 × 10^20 का ए इज द राइट आंसर. ओके. मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 21. द ओहम्स लॉ रिलेट्स डैश एंड डैश वोल्टेज एंड करंट. ओके. सी इज द आंसर. ठीक है. 22 का क्या है. 22 का आंसर मेरे ख्याल में लास्ट टाइम नहीं आया था. आपको चेक कर लिएगा. आपको नहीं मिलता तो आप गूगल पे पेस्ट कर दिएगा. चैप्टर नंबर 4 इंटर की चैप्टर नंबर 4 है फिजिक्स का. उसका क्वेश्चन है ये एग्जांपल है आई थिंक. सो दैट व्हेन अ ट्रांसफार्मर 23 का ई है. द एमीटर इज यूज टू मेजर करंट 24 का ए है. गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क. ओके. ये भी रिपीट क्वेश्चन है. सो माइंड दिस थिंग एंड रिमेंबर दिस क्वेश्चन. 25 का ए. 26. The maximum distance in horizontal direction of projectile is called range. Okay. Maximum distance कहा है इसने. कि आपने अगर projectile को यहाँ से यूं करके मूव कराए तो वह यहाँ से यूं मूव हुई इतना बड़ा. तो ये रेंज होती है ना. जबकि हाइट तो सिर्फ ये होती है. ओके. द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़.
बी टॉक डिपेंड ऑन बी जंपिंग ऑफ पैराट्रॉप सी द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज सी 2030 का भी सी है ओके. ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू डैश डी फॉसिल फ्यूल इंक्लूड डी न्यूटन्स रिंग में भी ए एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अर्थ कॉनकेव लेंस बी द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सी. दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन एंड फर्स्ट ईयर से है चैप्टर नंबर 10 से 8 से है. दिस इज द रिपीट क्वेश्चन ओके. आई एम टेलिंग यू यू कैन टेक स्क्रीन शॉट दिस क्वेश्चन. आई एम फोकसिंग ओके. सॉरी द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम्स आर सी द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर सी 38 का बी 39 का सी 40 का बी ओके. केमिस्ट्री नाउ 41 का सी 42 का बी 43 का ई 44 का डी ओके. एंड आई हैव रिटन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन सेम हेयर यू कैन आल्सो वॉच दिस. द नंबर ऑफ एटम इन 9.2 ग्राम ऑफ द एन ए विल बी बी पी वी इजिकल टू के ए 47 का बी 48 का बी 49 का डी ओके. 50 का ए 51 का सी 52 का सी 53 का ए 54 का ए ओके. इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट. 55 दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन सो ऑलवेज रिमेंबर फ्रॉम द बुक हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ओके. कंप्लीट द रिएक्शन ओके. दिस इज द रिएक्शन इन विच दिस इज द बेंजीन प्लस एच ओ एन ओ टू ओके. सो दिस इज द नाइट्रोटोलिन nitrobenzene and this is water. Now he is telling that if the nitrotoluene nitrobenzene react with HNO2 now what will the form means there is a NO2 NO2 as you know that NO2 is a para mover or okay yeah or near mover so it is a para mover so para nitrotoluene para so C okay C is the right answer okay. 56 का B, 57 का B, 58 का D एंड 59 का E. यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस क्वेश्चन ओके. आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. और 60 का C, 61 का B, 60 अच्छा आपने देखा था 2K13 में भी SN से सवाल आए थे SN 2 SN 1 रिएक्शन से उसमें भी आए हैं तो रिपीट टाइप ऑफ द टॉपिक है टॉपिक रिपीट हुआ है ओके. द जनरल फार्मूला ऑफ द ईस्टर E 63 का C ये भी रिपीट क्वेश्चन है ओके. यू कैन टेक स्क्रीन शॉट्स. What is the current IUPAC name of C? इसका भी C है ओके. 65 का B, 66 का A, 67 CH2 is example of ionic hydride ओके. The formula of bleaching powder is C, CaOCl2. CaOCl2. Cl2 you can write like this or you can write in a combined form. The D block element also called B, outer transition element. Aqua regia, the royal water is used as a solvent for गोल्ड एंड नॉबल मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है ओके. दिस इज आर लास्ट क्वेश्चन. सिल्वर मिरर इज़ फॉर्म्ड इन टॉलिंस टेस्ट ओके. सो थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड इफ़ यू वांट मोर पास्ट पेपर यू कैन आल्सो कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच.